हेलो बडिंग इंजीनियर्स, वेलकम टू एक्यूएन गेट एकेडमी। तो दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो ये सब्जेक्ट का कोई भी ब्रांच में वेटेज काफ़ी सही है ना। और उसके अंदर भी अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट द टॉपिक विच इज़ कैलकुलस, जो इंक्लूड करता है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफ्रेंशिएबिलिटी, डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो ये जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर कोई भी ब्रांच हो, देयर इज़ अ वेटेज ऑफ 4 to 5 marks। और उस सभी टॉपिक्स का जो प्री रिक्विजिट हैं, ये होते हैं बेसिकली ग्राफ्स। सही समझे, फंक्शंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में मृणाल सर बेसिकली आपके साथ बात करने वाले हैं अबाउट दिस बेसिक ग्राफ्स के बारे में, क्योंकि अगर आप कैलकुलस पढ़ने वाले हो तो आई एम 100% श्योर कि जो भी ग्राफ्स मैं आज डिस्कस करूँगा, ये सभी ग्राफ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, बहुत बार आप लोग यूज करने वाले हो तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, राइट। तो इट इज समथिंग लाइक कि अगर ये नहीं आता है तो आई डोंट थिंक सो कि आप कैलकुलस के अंदर आगे कुछ कर पाएंगे। तो प्लीज, जिन जिन स्टूडेंट्स को ये कंप्लेन है कि हम कैलकुलस के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या तो फिर हमको लगता है कि हमारी नैया वहां पर डूब जाएगी, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही यहां कुछ कुछ फंक्शंस लिख रहा हूं, जिन जिन स्टूडेंट्स को ऐसा है कि हाँ, हम जानते हैं ये सभी फंक्शंस को, इसके ग्राफ हमको पता है, इसके अंदर हम लोग ये पता बोल सकते हैं कि जो ग्राफ है वो ऑड होगा कि इवन होगा, इसका जीरो प्लस पे वैल्यू क्या होगा, जीरो माइनस पे वैल्यू क्या होगा, अगर ये सब चीज़ें आपको पता है हर एक ग्राफ के अंदर, इन दैट केस यू कैन इवन वॉच दिस वीडियो एट 2x का स्पीड, राइट। बट इस वीडियो को पूरा देखना इज कंपल्सरी फॉर ईच वन ऑफ यू, ठीक क्या, बिकॉज इट इज बेसिकली प्री रिक्विजिट फॉर माई होल कैलकुलस, ठीक है ना। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ ग्राफ्स को डिस्कस करना। कई बार हम ग्राफ को फंक्शंस भी बोलते हैं, और यहाँ पे हम सिंगल फंक्शन की ही बात करने वाले हैं। तो सर, कौन कौन से ग्राफ की यहाँ बात करने वाले हैं? तो आई एम गोइंग टू टॉक बेसिकली अबाउट फ्यू बेसिक ग्राफ्स, बट ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं इन इंटीग्रेशन एज वेल एज डिफरेंशिएशन एज वेल एज लिमिट के अंदर। तो द वेरी फर्स्ट ग्राफ आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट वुड बी से वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये सबको ही पता होगा। एंड व्हेन आई मूव अहेड आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ ग्राफ विच इज से वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, फिर से वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, फिर से वाई इज इक्वल टू रूट एक्स का। आई होप ये सब ग्राफ्स आपको पता ही होंगे। फिर y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 1/3, ईच वन ऑफ द ग्राफ इज हैविंग यूनिक प्रॉपर्टीज, राइट। तो ये सब ग्राफ्स एज वेल एज ग्राफ ऑफ से y इज इक्वल टू 1/x, से y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, देन आई बी टॉकिंग अबाउट से मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स कॉमा एक्स का ग्राफ, देन आई बी टॉकिंग अबाउट ग्राफ ऑफ x अपॉन मॉड x का ग्राफ। यानी ये दो जो ग्राफ हैं, मैक्स ऑफ माइनस एक्स कॉमा एक्स एज वेल एज एक्स कॉमा मॉड ऑफ एक्स, और कई बार इसको ये भी बोल सकते हैं मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ, विच इज बेसिकली वॉट, सिग्नम फंक्शन। तो विल सी ऑल दिस ग्राफ्स, राइट। तो द थिंग इज कि अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट ऑल दिस ग्राफ्स, तो ये वीडियो में तकरीबन ये जो आपको दिख रहे हैं 8 से 9 ग्राफ्स, ये सर डिस्कस करेंगे, और साथ में इनसे जुड़ी हुई जो भी बेसिक प्रॉपर्टी है इसके लिए मैं बात करूंगा। तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ पहली ही स्लाइड पे, बिकॉज जिसको ऐसा लगता है कि हाँ, हमको ये सब ग्राफ्स आते हैं, हम ये ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे विदाउट एनी हेल्प, तो ही और शी कैन स्पीड अप द वीडियो। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि नहीं सर, हमको तो सिखाइए आप, तो उनके लिए मैं ये ग्राफ जो है वो बिल्कुल आराम आराम से प्लॉट करूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे इसका यूज करना है, ठीक है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं विद अ वेरी फर्स्ट ग्राफ विच इज बेसिकली वॉट, वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अब बच्चा लोग, ये जो ग्राफ है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ जो है ये मेरा एक लेवल सेट करता है, ठीक है ना। चलिए तो मैं शुरू करता हूं विद द वेरी फर्स्ट ग्राफ विच इज व्हाट, विच इज से y इज इक्वल टू x। कई बार इसको आप ये भी लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ फंक्शन ऑफ x है, तो हम इसको fx ऑफ x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो fx ऑफ x इज इक्वल टू x। तो बच्चा लोग, इसका सिंपल मतलब क्या बनता है? इसका सिंपल मतलब ये बनता है कि यहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं अबाउट डोमेन एंड रेंज के बारे में। तो सर, डोमेन यानी क्या होता है? तो समझो कि इट इज समथिंग लाइक ये सब इनपुट्स हैं, यानी कि समझ लो कि अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट द फंक्शन, तो घर पे सब्जी बन रही है ना। तो जब हम सब्जी की बात करते हैं, तो हम सब्जी के अंदर बहुत कुछ चीज़ें डालते हैं ना।
समझ लो कि हमने पहली बार तो सब्जी ही डाली है ना, तो सब्जी हो गया एक इंग्रेडिएंट, हमने उसके अंदर नमक डाला, मिर्च डाला, हल्दी डाला, जीरा, अजवाइन, रई, जो भी है वो सब डाल दिया, तो ये सब क्या हो गए, ये सब डोमेन हो गए, राइट। यानी कि ये सब चीज़ें जो है वो क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं, और जो रेसिपी बन के आ रहा है वो क्या है मेरा, बेसिकली एक रेसिपी सब्जी है, वो क्या है मेरा, एक आउटपुट है, एक आउटकम है, एक रिजल्ट है। इसी तरह फंक्शंस के अंदर भी हमारे पास कुछ इनपुट्स होंगे, कुछ आउटपुट्स होंगे, यानी कि कुछ कुछ वैल्यूज हम फंक्शन के अंदर डालेंगे और चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो फंक्शन एफेक्ट्स हैं वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो करना क्या है आपको, जो एकदम गरीब भाषा है वो क्या है कि हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ लेंगे एक्स की वैल्यू, और इससे हम लोग क्या देखने वाले हैं, इससे हम ये देखने वाले हैं कि जो मेरा एफेक्ट्स हैं वो एफेक्ट्स की वैल्यू क्या आने वाली है। तो द वेरी सिंपल थिंग इज कि जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एफेक्ट्स जो हैं वो किसके बराबर हैं, यहाँ लिख दिया है कि वो एक्स के ही बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू एक्स की होगी वही वैल्यू किसकी होगी, एफेक्ट्स की होगी कि नहीं होगी बेटा, राइट। अब बोलो एक्स कहाँ से कहाँ वैरी हो सकता है, तो एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, और एक्स जीरो भी हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली ले रहा हूँ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। तो चलिए मैं ले रहा हूँ सपोज एक्स का वैल्यू क्या, -2। तो आप क्या बोलेंगे, जो फंक्शन है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सर -2 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर ले रहा हूँ -1, तो एफेक्ट्स भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर मैं एक्स 0 ले रहा हूँ तो एफेक्ट्स भी 0 हो जाएगा। लाइकवाइज एक्स का वैल्यू 1 है तो फंक्शन भी 1 हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू 2 है तो फंक्शन भी 2 हो जाएगा। सिंपल क्या, यस सिंपल एज दैट। बट हमारा पर्पस क्या है कि हमारा पर्पस है कि ये जो फंक्शन है, ये जो हमारा y = x है, इसको प्लॉट करना। तो दोस्तों जब भी हम ग्राफ प्लॉटिंग की बात करते हैं, इन दैट केस यू ऑलवेज शुड रिमेंबर कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और जो वर्टिकल एक्सिस है ये वाई को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि यहाँ पे एक्स वेरी हो रहा है, ऑन दिस एक्सिस एक्स वेरी हो रहा है, एंड ऑन दिस एक्सिस जो हमारा फंक्शन है, वाई बोल दो या एफ एक्स बोल दो, जिसकी हमने वैल्यू किसके बराबर ली है, एक्स के बराबर ली है, ये वेरी करेगा। वेरी का मतलब क्या होता है, जो वैल्यूज आ रही हैं वो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे एफ एक्स का, और अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ एक्स। समझा क्या, आई होप ये समझ पा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि सर जब एक्स का वैल्यू 1 होगा तो बोल क्या हो रहा है एफ एक्स, सर जब एक्स का वैल्यू 1 हो रहा है तो एफ एक्स का वैल्यू भी क्या हो रहा है, सर एफ एक्स का वैल्यू भी 1 ही हो रहा है। जब x का वैल्यू 2 हो रहा है तो fx भी 2 ही हो रहा है। आई रियली होप कि आपको ये बात बिल्कुल पता है कि ये सब जो है ना, यानी कि अगर मैं ये सब की बात कर रहा हूं तो ये सब जो है वो x की पॉजिटिव वैल्यू है। आई होप आप सब लोग को ये बात बिल्कुल पता है कि ये सब x की वैल्यूज हैं, और ये सब जो है ये x की पॉजिटिव वैल्यू है। आई होप कि जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन आप स्कूल में बिल्कुल पढ़े हैं। तो यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यूज हैं, यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यूज हैं, और यहाँ y की पॉजिटिव वैल्यूज हैं। हाँ कि ना, हाँ। आई होप इतना बेसिक तो आप पढ़ के आए हो। अब यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, जो फंक्शन है वो x के बराबर है, यानी x 1 होगा तो y 1 होगा, x 2 y 2, x 3 y 3, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा, तो x -1 y -1, x -2 y -2। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ की बात कर रहे हैं तो वी कैन बेसिकली ड्रॉ अ ग्राफ विच इज y is equal to x का लाइन। ये सबको ही पता है कि यस सर, y is equal to x का एक लाइन होता है जो पास होता है थ्रू ओरिजिन। तो ये बन गया बेसिकली मेरा ग्राफ फॉर y is equal to x। यहां पे आपको क्लियर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जैसे x का वैल्यू 1 होगा y का वैल्यू 1 होगा, 2 2 3 3, -1 -1, -2 -2, -3 -3। तो दोस्तों y is equal to x का ग्राफ आई होप सबको ही आता होगा एंड पता ही होगा। बट इतना टाइम मैं इसलिए यहां पे लगा रहा हूं बिकॉज मुझे तुझे ये सभी ग्राफ्स एकदम ढंग से और मस्त पढ़ाने हैं। तो आई होप कि ये लाइन जो है ये y is equal to x का हमारा ग्राफ बन गया। अब देख यहां ध्यान दे, ए बाबू यहां ध्यान, यहां पे ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट, अगर तुम्हें यहां पे पूछा जाए कि जो y is equal to x का ग्राफ है ये इवन है कि ऑड है, तो आप क्या बताओगे, सही समझे, आप क्या बताओगे कि जो y is equal to x का ग्राफ है वो एक ऑड ग्राफ है। तो ये कैसे मालूम करना होता है, तो देख यहां पे टेक्निक क्या होती है, तुम्हें जो fx हैं
हमें पता है, बोलिए क्या है एफ एक्स? एफ एक्स जो है हमको पता है सर, एफ एक्स बराबर एक्स हो गया, बराबर हाँ कि ना? हाँ। अब रिप्लेस एक्स विथ माइनस एक्स, तो चलिए करते हैं। आई एम रिप्लेसिंग एक्स विथ माइनस एक्स, तो बोलिए क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जो एफ एक्स और एफ माइनस एक्स हैं क्या ये दोनों बराबर हैं? बट क्या अंतर है दोनों के अंदर? माइनस का फर्क है। तो देख, क्या मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मेरा एफ एक्स आएगा वो एफ एक्स क्या आएगा? ये एफ एक्स आएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर। या तो फिर एक और चीज भी बोल सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि जो मेरा एफ एक्स या एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा वो किसके बराबर आएगा? माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आएगा। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो? आई रियली होप कि ये बात समझ पा रहे हो। जब ये बात समझ पा रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है रे बेटा? इसका मतलब ये होता है कि जो फंक्शन का नेगेटिव साइड पे वैल्यू आ रही है ये सभी वैल्यूज पॉजिटिव साइड के बराबर ही हैं, बट फर्क जो है वो है माइनस साइन का। इट इज समथिंग लाइक कि जब मैं एफ एक्स की वैल्यू 1 पे निकाल रहा हूँ, वो वैल्यू 1 आ रही है, तो वही वैल्यू माइनस 1 पे क्या आएगी? माइनस वन आएगी। क्या बात समझ पा रहे हो? जब जब भी ऐसा होता है क्या होता है कि आपका नेगेटिव जो वैल्यू है एफ एक्स का वो माइनस ऑफ पॉजिटिव वैल्यू हो रहा है, तो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? सर ये फंक्शन जो है ना, इट इज बेसिकली ऑड फंक्शन, राइट? यहां से ही ये किसका कंडीशन निकल के आ रहा है? ये कंडीशन निकल के आ रहा है ऑड फंक्शन का। और ये कभी नहीं भूलना है हाउ टू चेक फंक्शन इज ऑड और इवन। रिप्लेस एक्स विथ माइनस एक्स, अगर ये करने से आपका आंसर माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया तो हम बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन है ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। ठीक क्या? हाँ, ये टेंशन मत ले, इवन क्या होगा उसकी बात तो मैं करूंगा, बट बोलिए यहां तक क्लियर है क्या? चलिए, तो आई रियली होप कि ये जो पहला पॉइंट था ऑड डिसाइड कर पाना, ये सबको क्लियर हुआ। अब आते हैं एक नए पॉइंट की तरफ, इसको मैं ले रहा हूं कि ये मेरा पॉइंट नंबर 1 था, ठीक है ना? समझना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं ये ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे जो आगे वाले ग्राफ्स हैं वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से ढंग से तुझे समझाने हैं। ठीक क्या? चलो, अब अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, तो ग्राफ को देख के तो मुझे ये बता कि अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट सेकंड पॉइंट फ्रॉम द ग्राफ, अगर मैं पूछ रहा हूं कि एफ जीरो पे वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताओगे? जो एफ ऑफ जीरो है इसका वैल्यू क्या है? तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स की जगह पे जीरो डाल दो, तो बोले क्या हो जाएगा वैल्यू? तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ जीरो जो हो रहा है वो जीरो हो रहा है। नाउ बी केयरफुल, इफ आई आस्क यू एफ जीरो प्लस पे वैल्यू एंड इफ आई आस्क यू एफ जीरो माइनस पे वैल्यू, आर यू एबल टू टेल मी ये वैल्यू क्या होगी? आई होप यस, बिकॉज अगर हम बात कर रहे हैं जीरो प्लस के बारे में तो इसका मतलब क्या होगा? हम जीरो से थोड़ा आगे निकल गए हैं। ठीक क्या? यहां पे ग्राफ की बात कर रहे हैं तो यहां पे जीरो से थोड़ा ही आगे, अगर हम जीरो से थोड़ा ही आगे हैं, इन दैट केस क्या आप सबको दिख रही है कि हाँ सर अगर जीरो से हम थोड़ा ही आगे होंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है ये वैल्यू कुछ पॉजिटिव आने वाली है, बराबर ना? हाँ सर, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इस वैल्यू को क्या लिख रहा हूं मैं? सपोज 0.0001, बराबर ना? कोई एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। बट नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, जब मैं बात कर रहा हूं एफ ऑफ जीरो माइनस के बारे में, इन दैट केस क्या होगा? तो भाई इन दैट केस एफ ऑफ जीरो माइनस यानी कि हम जीरो के इस साइड हैं। आई रियली होप कि सबको ये बात तो पता ही है कि यहाँ पे x का वैल्यू जीरो है, जीरो प्लस यानी हम लोग इस साइड हैं, तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम जीरो प्लस बोलेंगे। और अगर मैं जीरो के इस साइड आ गया तो बोल रहे बच्चा लोग इसको मैं क्या बोलेंगा? सर ये जो टाइम इंस्टेंट है, नॉट टाइम इंस्टेंट, ये जो x का वैल्यू है ये x का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। तो सर आप बोल सकते थे ये जो है यहाँ पे हमारा जो x का वैल्यू है इसको आप अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हो? जीरो माइनस बोल सकते हो। और क्या आप सब लोग ये बात से सहमत हो रहे हो कि जीरो प्लस पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा और जीरो माइनस पे नेगेटिव वैल्यू आएगा? वही तो मतलब है रे बेटा, ये फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन है, विच इज माइनस 0.001, क्लोज टू जीरो ही वैल्यू आएगी। बट आई वॉन्ट यू टू फील दिस कि जब हम बात कर रहे हैं जीरो प्लस के बारे में तो हम जीरो से थोड़ा आगे हैं, जब हम बात कर रहे हैं जीरो माइनस के बारे में हम जीरो से थोड़ा पिछू देख रहे हैं। ठीक क्या? बिकॉज ये सब कंसेप्ट्स तेरे को लिमिट में बहुत सारा हेल्प करने वाले हैं, बराबर क्या?
सो आई रियली होप कि जो मैंने पहला ग्राफ आपको दिखाया है जो है वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये क्लियर है. और यहाँ पे जो हमने ऑब्जर्वेशन दिखाए, एक तो ऑड पार्ट इवन पार्ट और दूसरा जीरो प्लस और जीरो माइनस पे वैल्यू, ये तो समझ पाया है राइट. किसी को ऐसा है कि हाँ मैं लिखता भी जाऊँगा तो भाई वीडियो को पॉज करना और लिखना शुरू कर देना, बिकॉज मैं रुकने वाला नहीं हूँ. तो यहाँ मेरा पहला ग्राफ खत्म होता है. जो भी मेरे की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, इसको प्लीज़ याद रखिएगा. नेक्स्ट ग्राफ में आता हूँ. दैट ग्राफ इज व्हाट? दैट ग्राफ इज बेसिकली जो बताया था सीक्वेंस के हिसाब से, तो मेरा सेकंड ग्राफ यहाँ पे आ रहा है विच इज से वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये आई होप सबको ही पता होगा कि जो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये हमारा काइंड ऑफ पैराबोला आएगा. और यहाँ पे भी हम डालते हैं फंक्शन की वैल्यू और देखते हैं कि क्या हो रहा है. तो अगेन व्हाट यू नीड टू डू, तुम यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स ले लो. तुम इसको y की जगह अगर लिखना चाहते हो fx ले भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं इस बात से, बिकॉज y fx सब सेम टू सेम ही चीजें हैं. सो डोंट वरी अबाउट दिस. सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस फंक्शन, तो पहली बात तो फंक्शन क्या है, यह है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है. तो यहाँ पे अगेन वैल्यू वही डाल रहा हूँ जो पहले डाली हुई थी. तो चलो बताओ, अगर मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ माइनस टू, तो चलिए क्या हो जाएगा. आई रियली होप सबको ये बात समझ में आ रही है कि आपको माइनस टू वैल्यू इसके अंदर पुट करना है. तो चलिए क्या हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर दिस वुड बी फोर. इफ आई टॉक अबाउट माइनस वन का स्क्वायर दिस वुड बी वन. जीरो का स्क्वायर दिस वुड बी जीरो. वन का स्क्वायर इट वुड बी वन. एंड टू का स्क्वायर इट वुड बी अगेन फोर. तो भाई लोग बहन लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, आई रियली होप कि यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि तुमने एक्स का वैल्यू डाला नेगेटिव तो भी वैल्यू पॉजिटिव ही आई, और डाला वैल्यू पॉजिटिव तो भी आपका वैल्यू पॉजिटिव ही आया. विच मीन्स अगर तू ग्राफ के अंदर प्लॉट करेगा तो एक्स पॉजिटिव भी आएगा, एक्स नेगेटिव भी आएगा, बट वाई ऑलवेज क्या आएगा. सर वाई ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, और ये ग्राफ हमको बिल्कुल पता है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ. तो चलिए प्लॉट करते हैं. जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, तो ये ऑलवेज मत भूलना कि तुम्हारा जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं ये ऑलवेज एक्स का ही होने वाला है, और जो वर्टिकल एक्सिस हैं ये ऑलवेज वाई का या एफ एक्स का ही होने वाला है. तो चलिए यहाँ पे एक्स के वेरिएशंस आएंगे, यहाँ पे तू एफ एक्स ले ले या फिर वाई ले ले, उसके वेरिएशंस आएंगे जिसको हम एक्स स्क्वायर मान रहे हैं. तो चल, क्या तू यहाँ पे इतना सोच पा रहा है कि इस सभी वैल्यू के लिए क्या है, एक्स पॉजिटिव है, और ये सभी के लिए क्या है, एक्स नेगेटिव है. भाई सुन, हो सकता है कि तेरे को मैं बहुत स्लो लगूं, हो सकता है कि तेरे को मैं बहुत ही बोरिंग लगूं, बट मेरा मेजर पर्पस इन सब ग्राफ से ये है कि जब तू कैलकुलस पढ़े ना, वहाँ पे 0% एरर करे. और कोई भी हो, वो डिप्लोमा किया हो कि डिप्लोमा नहीं किया हो, सही ना. तो भाई मेरे को सिली समझना है, समझ लेना, बट प्लीज़ डोंट मिस दिस वीडियो, पूरा ख़त्म कीजिएगा इसको, है ना. चलिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, इन दैट केस हमको ये बिल्कुल दिख रहा है सर कि जब हम यहाँ पे x पॉजिटिव करेंगे तो भी हमारा जो फंक्शन है ये पॉजिटिव ही आ रहा है, और जब हम यहाँ पे x नेगेटिव करेंगे तो उसके लिए भी सर हमारा ग्राफ जो है ये पॉजिटिव ही आ रहा है. तो ये हम बेसिकली ड्रॉ करते हैं पैराबोला विच इज से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. आई रियली होप सबको ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि जब हम यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव कुछ पुट करेंगे, सपोज हमने x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा साहब, फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 1, और ये सेम वैल्यू होने वाला है फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1. ठीक क्या? तो अब खुद आप बताइए कि इस फंक्शन को मैं क्या बोलूँ, क्या ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? हाँ, क्या ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? बिल्कुल सही, अब तू खुद समझ पा रहा है कि इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है. तो जो यहाँ पहला पॉइंट था मेरा, जो मैं लास्ट टाइम भी ऑब्जर्व किया था, वो क्या था, ये कमेंट करना कि मेरा फंक्शन इवन है कि ऑड है. तो चलिए यहाँ चेक करते हैं. तो बोलिए क्या बोलेंगे, सर हमको पता है एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर. नाउ टू चेक वेदर फंक्शन इज इवन और ऑड, हम क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स. तो चलिए, आई हैव रिप्लेस्ड एक्स विद माइनस एक्स. तो चलिए क्या होगा रे बेटा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सर माइनस एक्स का जो स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर के बराबर ही हो जाएगा. तो बोलिए यहां पे क्या बोल पाएंगे, सर जो मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स आया है ये एफ एक्स के बराबर ही आया है.
तो बोलिए यहां पे क्या बोल पाएंगे कि जो फंक्शन है क्या ये इवन फंक्शन है? बिल्कुल ये सर इवन फंक्शन है। आई होप कि तुम ग्राफ से भी, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ग्राफ जो है इट हैज टू बी सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट जीरो, नहीं वो सब बातें नहीं कर रहा हूं। आपको सिर्फ यहां दिखा रहा हूं मैथमेटिकली हाउ टू चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। तो आई रियली होप सबको ये बात समझ में आ गया है कि आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ जो है ये बेसिकली इवन फंक्शन है, इवन ग्राफ है, राइट? चलो ये पॉइंट हो जाने के बाद अगर मैं बात कर रहा हूं अबाउट द माई सेकंड पॉइंट, तो चलिए आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, विच इज सेइंग कि चलो f ऑफ जीरो, बोलिए क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि सर जब भी हम जीरो के आसपास देख रहे हैं या जीरो पे वैल्यू चेक कर रहे हैं तो f ऑफ जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है? सर ये वैल्यू जीरो ही आ रही है। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज कि जो जीरो प्लस है यहां पे वैल्यू क्या होगी? तो जीरो प्लस यानी हम कहां जाएंगे? जीरो से थोड़ा पॉजिटिव, जीरो से थोड़ा आगे। तो जाहिर सी बात है सर यहां पे क्या दिखाई देगा? अगर मैं जीरो से थोड़ा भी आगे हूं, अगर मैं सर जीरो से थोड़ा भी आगे हूं, इन दैट केस आई एम गोइंग टू गेट सर पॉजिटिव वैल्यू। आई रियली होप सबको ये वैल्यू दिखाई दे रहा है। और ये वैल्यू किसके बराबर होगा? कुछ भी नंबर ले लो कि यस सर दिस नंबर वुड बी 0.00001, ठीक क्या? 0.00001 यानी कि ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आने वाली है। बट दोस्तों यहां पे एज फंक्शन इज इवन हम क्या बोलेंगे? जो f ऑफ जीरो माइनस है ये भी कितना आएगा? सर ये भी 0.00001 के बराबर ही आएगा। ये बात मैं ऑलरेडी तेरे को बोल चुका हूं। ये क्यों हुआ बिट्टू? ये बिट्टू हुआ इसलिए बिकॉज गिवन फंक्शन या जो फंक्शन है वो हमारा इवन फंक्शन है, ठीक क्या? सो आई रियली होप ये बातें क्लियर हैं। बट अब यहां पे आती है नई बात। तो जब भी हम ये ग्राफ की बात कर रहे हैं, दिस ग्राफ इज बेसिकली फॉर व्हाट? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एग्जाम में इस ग्राफ को देने के अब बहुत सारे तरीके बन जाते हैं। तो क्या तरीके बन जाते हैं? तो यहां थोड़ा गौर फरमाइएंगे। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, से द ग्राफ इज व्हाट? अगेन ग्राफ इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? यही हम ग्राफ की बात कर रहे हैं। और थोड़ा यहां से अटेंशन थोड़ा बढ़ाएंगे तो हम बात कर रहे हैं अबाउट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब यहां पर ध्यान दो, अगर हम बात कर रहे हैं इस प्लॉट के बारे में तो इसको लिखने का एक और तरीका भी है। तो क्या बनता है एक और तरीका? तो अगर हम बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी इस ग्राफ के बारे में, तो क्या मैं इसी ग्राफ को बोल सकता हूं x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट वाई, राइट ना? आई होप कि सब लोग इस बात से कन्विंस्ड होंगे कि जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है इसी को मैं क्या बोल पाऊंगा? इसी को मैं बोल पाऊंगा बेसिकली वॉट? x इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट वाई का ग्राफ। बोलिए हाँ कि ना? तो मोस्टली एग्जाम में क्या होता है? मोस्टली एग्जाम में ये होता है कि कई बार आपको वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा बेसिकली आपको ग्राफ प्लॉट करना है जो क्या है? पॉजिटिव x इज इक्वल टू पॉजिटिव रूट वाई। तो बच्चा मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि जब भी तेरे को ऐसा बोला जाए, क्या बोला जाए? कि हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है जो है x इज इक्वल टू रूट वाई, सिर्फ रूट वाई बोल रहा है वो। तो तेरे को यह बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि यहां पे जब हम बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ रूट वाई, पॉजिटिव रूट वाई, तो सर वो सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन है। बिकॉज हम सबको पता है कि जब भी हम बात कर रहे हैं x पॉजिटिव तो ये पूरा जो इलाका है ये सर x का पॉजिटिव इलाका है और ये पूरा x का नेगेटिव इलाका है। तो सर दिस ग्राफ इज इक्विवेलेंट टू किसका? दिस ग्राफ इज इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट वाई का ग्राफ। आई होप तू समझ पा रहा है। देख मुझे ये बिल्कुल पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबको पता है कि वो होता है पैराबोला। बट अगर उसने एग्जाम में ऐसा दे दिया कि x इज इक्वल टू रूट वाई एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट वाई, सो आई वॉन्ट यू टू फील डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्राफ्स। बिकॉज अगर हम बात कर रहे हैं फॉर x इज इक्वल टू रूट वाई तो ये सिर्फ और सिर्फ x का पॉजिटिव वैल्यू है तो सिर्फ यही ग्राफ आएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट x इज इक्वल टू माइनस रूट वाई तो वहां x की नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो जाहिर सी बात है ये इसी प्लॉट की बात कर रहे हैं, ठीक क्या?
तो आई होप ये क्लियर है इस क्वेश्चन के अंदर कि x रूट वाई क्या है और x माइनस रूट वाई कहाँ पे होगा। एंड आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्लियर है ना भाई, यहाँ तक दो ग्राफ्स आप अगर समझ पा रहे हो तो क्या क्या बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल ही बातें कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x इज बेसिकली ऑड फंक्शन एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर इज बेसिकली इवन फंक्शन, मैंने पहले ये बात किया। दूसरा बात किया जीरो पे वैल्यू, जीरो प्लस पे वैल्यू, जीरो माइनस पे वैल्यू, ठीक है ना। ये सब चीज़ों को तुम अप्लाई करोगे, यूज करोगे इन योर कैलकुलस, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा थर्ड ग्राफ। सो आवर थर्ड ग्राफ इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अगेन कर तो वही रहे हैं कि जो जो भी x की वैल्यू है वो यहां डालते हैं, लेट्स सी कि हमारा फंक्शन कैसा होगा, राइट। तो चलिए यहां भी वही पांच ही वैल्यू डालते हैं। यहां पे आप देख पा रहे हो कि आपका जो y है वो x का क्यूब है, यानी कि जो भी हमारा x की वैल्यू होगा उसका हमें यहां पे क्यूब करना पड़ेगा। आई होप अब ये तो क्लियर ही है कि अब y लिखूं या fx लिखूं ये सब कुछ सेम टू सेम ही है। तो चलिए फटाफट से आप भी मेरे साथ साथ ये सब वैल्यूज डालते रहिए और बोलिए क्या हो रहा है। सो इफ आई पुट x इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू का क्यूब जो होता है ये बन जाएगा कितना, माइनस ऑफ एट। माइनस वन का क्यूब क्या बन जाएगा बेटा, माइनस वन का क्यूब इट वुड बिकम माइनस वन, जीरो का क्यूब वुड बिकम जीरो, वन का क्यूब वुड बिकम वन एंड टू का क्यूब वुड बिकम एट। तो अब जब तुम इस फंक्शन को यहीं पे देख रहे हो, जब आपने x का वैल्यू नेगेटिव पुट किया तो आपको वैल्यू मिल रही है नेगेटिव, विच इज माइनस एट माइनस वन, और अगर आपने x का वैल्यू पॉजिटिव पुट किया तो आपको यही वैल्यू मिल रही है बट मिल रही है पॉजिटिव। तो आई रियली होप कि तुम यहां से क्या कमेंट कर सकते हो। देखो कोई एक वैल्यू उठा लो, सपोज आपने वैल्यू लिया है x इज इक्वल टू माइनस टू, जब तुम इसको देख रहे हो तो क्या मालूम पड़ रहा है कि जब मैंने x का वैल्यू माइनस पुट किया है तो माइनस एट वैल्यू आ रही है, और जब मैं x इज इक्वल टू पॉजिटिव टू पुट करूंगा तो वैल्यू मुझे आठ मिल रहा है। तो यहां से हम क्या कमेंट कर सकते हैं कि जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है इट इज बेसिकली ऑड फंक्शन, बोलिए हाँ कि ना। जो मेरा पहला पॉइंट ऑलवेज होता है ऑब्जर्वेशन का वो क्या होता है, ये चेक करना कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो आई होप सब लोग ये समझ पा रहे हो कि जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज बेसिकली ऑड फंक्शन, राइट। क्योंकि हमको यहां से ही मालूम पड़ रहा है कि माइनस टू पे माइनस एट मिला है और टू पे एट मिला है, तो हम यहां पे बिल्कुल बोल सकते हैं कि अगर मैं x को रिप्लेस करूंगा विथ माइनस ऑफ x मुझे क्या मिलने वाला है, माइनस एफ ऑफ एक्स मिलने वाला है, ठीक क्या। अब अगर तुम इसको बहुत ही ढंग से फॉलो कर रहे हो तो एफ एक्स क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो मेरा पहला एग्जाम्पल था जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल था, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ये ऑड था। जैसे हमने किया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये इवन हो गया। अब जैसे ही मैं आ गया यहां पे फिर से क्या मेरा ऑड पावर आ गया, एक्स का ऑड पावर आ गया, तो ये ग्राफ कैसा बन गया, ऑड बन गया। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि जो भी एक्स के ऑड पावर होंगे, यानी कि एक्स एस टू पावर वन, एक्स एस टू थ्री, एक्स एस टू फाइव, एक्स एस टू सेवन, एक्स एस टू नाइन, जितने भी एक्स के ऑड पावर हैं ये सब ग्राफ जो हैं वो ऑड फंक्शन बन जाएंगे, जिसका जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और जो जो भी एक्स के इवन पावर हैं यानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स एस टू फोर, एक्स एस टू सिक्स, ये सब जो हैं ये इवन फंक्शन हो जाएंगे, एक्स की जो पावर है वो इवन पावर हैं, ये हमारे सभी ग्राफ्स इवन ग्राफ हो जाएंगे जो हमारे वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होंगे। आई होप ये बात समझ पा रहे हो, और ये समझ पा रहे हो तो चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस फंक्शन को, वो कैसे आने वाला है। आई होप सबको ये पता है कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये एक्स के वेरिएशंस हैं, जो वर्टिकल एक्सिस है ये वाई के वेरिएशंस हैं, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा फंक्शन एफ एक्स हो गया, जो हमारा किसका है, ये हमारा फंक्शन है जो एक्स क्यूब है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो अगर x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव आएगा, एफ एक्स पॉजिटिव आएगा, अगर एफ एक्स नेगेटिव है तो हमारा फंक्शन भी नेगेटिव ही आ जाएगा, बट फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शन है। देन वी कैन हैव अ ग्राफ विच इज समथिंग लाइक दिस, जो किसका ग्राफ है, जो ग्राफ है मेरा एफ एक्स ऑफ एक्स क्यूब का। आई रियली होप कि ये ग्राफ जो है समझ पा रहे हो, एंड द वेरी सिंपल थिंग इज कि ये ग्राफ जो है वो ऑड ग्राफ है। ये कैसे मालूम पड़ा, तुम यहां से भी देख पाओगे, ऑड ग्राफ के लिए ऑलवेज आपका ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक क्या। अब यहां पे अगेन जो मेरा एक और पॉइंट था उसकी बात कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट। तो चलिए ये पॉइंट जो है दिस इज अ पॉइंट जीरो, ये हमको पता ही है।
सेकंड पॉइंट की हम जब बात करते हैं तो ये ऑलवेज क्या होता है, ये ऑलवेज होता है एफ एक्स पे वैल्यू। तो बोलो क्या दिखाई दे रही है, ये यहाँ जीरो दिखाई दे रही है, एफ ऑफ जीरो, एफ एक्स की वैल्यू नहीं, सॉरी, अगर हम बात कर रहे हैं एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इफ आई टॉक अबाउट एफ ऑफ जीरो प्लस, अगर मैं जीरो से थोड़ा आगे जा रहा हूँ, सो आई एम गोइंग टू गेट पॉजिटिव वैल्यू विच इज 0.0001। एंड अगर यहीं पे अगर मैं डाल रहा हूँ वैल्यू कौन सा, एफ ऑफ जीरो माइनस, मैं जीरो से इस साइड हूँ तो जाहिर सी बात है फंक्शन ऑड है, तो ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव हो जाएगी विच इज माइनस ऑफ 0.0001। ठीक क्या? तो आई रियली होप कि आपको ये जो दो पॉइंट हैं, पहला तो फंक्शन ऑड है कि इवन है, और दूसरा जीरो पे वैल्यू, जीरो प्लस पे वैल्यू और जीरो माइनस पे वैल्यू, ये दो कंसेप्ट क्लियर हैं। अब देख बच्चा, इस क्वेश्चन में या फिर इस ग्राफ के अंदर तेरे को सर एक नई चीज दिखा रहे हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो तू पढ़ेगा इन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम सब एक पॉइंट पढ़ते हैं, तुम्हें एक पॉइंट पढ़ाया जाएगा, दैट पॉइंट इज नोन एज सैडल पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज सैडल पॉइंट। अब ये होता क्या है, मैं यहां पे सिर्फ इसका झलक दे रहा हूं कि सैडल पॉइंट होता क्या है। पहली बात तो ये सैड पॉइंट नहीं है कि जहां पे सब आके सैड हो जाएंगे। सैडल पॉइंट का मतलब ये होता है कि मैं ग्राफ से समझाता हूं, हमारे पास ये ग्राफ है बराबर ना, दिस ग्राफ इज फॉर से वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आई रियली होप कि आपको टेंजेंट का मतलब पता होगा। टेंजेंट यानी कि अगर मैं इस ग्राफ का टेंजेंट की बात कर रहा हूं, तो सपोज मैं यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं, मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सर इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट से टेंजेंट यानी ये स्लोप, टेंजेंट यानी यहां का स्लोप बराबर ना, तो ये मुझे टेंजेंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट जो है ये मैंने ड्रॉ किया है एक्स लेस देन जीरो के लिए, एक और मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं फॉर एक्स मोर देन जीरो, यानी कि यहां पे मैं एक और टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट। सपोज मैंने इस पॉइंट के लिए टेंजेंट ड्रॉ किया, तो आपको दिख रहा होगा कि ये पॉइंट के लिए टेंजेंट ये रहा बराबर। तो आई रियली होप कि आपको टेंजेंट वाला कंसेप्ट थोड़ा बहुत पता है। टेंजेंट यानी क्या, टेंजेंट यानी इसी लाइन के ऊपर हम डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं, तो ये हमारा आ रहा है डिफरेंशिएशन। ठीक क्या, तो अगर मैं टेंजेंट एट पॉइंट ए की बात कर रहा हूं एंड टेंजेंट एट पॉइंट बी की बात कर रहा हूं, तो क्या आपको ये दिख रहा है कि जो टेंजेंट पॉइंट ए पे है कर्व मेरा नीचे है, यानी कि ये जो पिंक कलर का है ये मेरा ग्राफ है, ये कर्व नीचे है और टेंजेंट उसके ऊपर है, और जब एट पॉइंट बी देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, सर जो मेरा ग्राफ है यानी कि जो मेरा इस पॉइंट के ऊपर ग्राफ है वो टेंजेंट के इस साइड है, टेंजेंट के ऊपर है, राइट। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे हुआ क्या, जीरो से पहले टेंजेंट ऑलवेज कहां पे होगा, टेंजेंट ऑलवेज कर्व के ऊपर होगा, और जीरो के बाद क्या हो गया, टेंजेंट ऑलवेज जो है वो ग्राफ के नीचे होगा। अगर ये बात आपको क्लियरली दिख रहा है, तो जिस पॉइंट से आपका टेंजेंट अपना नेचर चेंज करता है, यहां कर्व के ऊपर था, जीरो के बाद वो कर्व के नीचे आ गया, तो यहां पे जो जीरो है एक्स इज इक्वल टू जीरो बेटा, इसको बोलते हैं सैडल पॉइंट, इसको बोलते हैं सैडल पॉइंट। मतलब यह है इस पॉइंट का कि इस पॉइंट से हो क्या गया बेटा, इस पॉइंट से जो आपका टेंजेंट था विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट, ईच पॉइंट, ये जो टेंजेंट है उसने आपका नेचर चेंज कर दिया, यहां वो ग्राफ के ऊपर था और यहां वो ग्राफ के नीचे आ गया। इस पॉइंट का ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है व्हेन यू लर्न अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल, वहां पे आपको मालूम पड़ेगा, वहां पे आप न्यूमेरिकल से, वहां पे एक मेथड से निकालते हो कि आपका जो ग्राफ है या जो फंक्शन है वो किस पॉइंट के आसपास जो है ये अपना स्लोप का नेचर या फिर आपका जो टेंजेंट है उसका नेचर चेंज करेगा। बट आपको मैंने यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि सैडल पॉइंट क्या होता है। आई होप ये बात क्लियर है। इफ आई रिपीट दिस पॉइंट वेरी स्लोली एंड वेरी केयरफुली, तो यहां पे दिख रहा है कि इस पॉइंट पे आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ नीचे है, इस पॉइंट पे आपका ग्राफ नीचे है और जो आपका टेंजेंट है वो टेंजेंट ग्राफ के ऊपर है, और इस केस के अंदर आपका ग्राफ ऊपर है और टेंजेंट नीचे है।
तो जीरो के आसपास आपका जो टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू ईच पॉइंट ऑफ द ग्राफ है ये अपना नेचर चेंज कर रहा है, एंड दैट्स वाई दिस जीरो इज नोन एज सैडल पॉइंट। ठीक, तो चलिए हमने यहाँ पे तीन ग्राफ्स कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे हमने एक और पॉइंट भी डिस्कस किया, दैट इज अ सैडल पॉइंट, एंड इसकी बात मैं आगे नहीं करूँगा बिकॉज ये आप बिल्कुल पढ़ने वाले हो इन केस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल, सैडल पॉइंट निकालना, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे जो बाकी ग्राफ्स हैं उसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो मैं सीधा ही आता हूँ एक और ग्राफ की तरफ, दैट इज वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स एंड वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर, राइट। चलिए तो करते हैं फटाफट से, माई फोर्थ ग्राफ इज, तीन हमने खत्म कर लिए हैं, सो लेट्स मूव विद द फोर्थ ग्राफ। आप वीडियो को पॉज करके ये ट्राई भी कर सकते हो कि हम ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू वन अपॉन x का ग्राफ बाय अवर सेल्फ्स। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू पुट अक्रॉस इज, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसा होगा, इवन होगा कि ऑड होगा। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे वैल्यू फटाफट से एंड लेट्स सी ये ग्राफ कैसा होने वाला है। तो चलिए क्या हो जाएगा, ये है वैल्यू x, यहाँ पे हम y लिख रहे हैं, दैट इज मेरा फंक्शन वन अपॉन x। अगेन वैल्यू जो है आप वही लिखिएगा जो मैं रखता आ रहा हूं अब तक। तो चलिए क्या रखेंगे, अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू रख रहे हैं विच इज माइनस टू, तो चलिए क्या हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू, इट वुड बिकम से माइनस वन बाई टू। इफ आई पुट वैल्यू माइनस वन, दिस वुड बिकम माइनस वन। इफ आई पुट वैल्यू जीरो, इट वुड टेंड टू इन्फिनिटी, यस सर। इफ आई पुट वन, अगेन दिस फंक्शन बिकम्स वन। इफ आई पुट वैल्यू टू, दिस फंक्शन वुड बिकम वन बाई टू। तो देखो बच्चा लोग क्या दिखाई दे रहा है, आई रियली होप आप यहां भी ये देख पा रहे हो कि जब भी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेगेटिव वैल्यू, विच मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं एक्स का नेगेटिव वैल्यू, तो बोलिए क्या वैल्यू आई है हमारे पास यहां पे, ये वैल्यू आई है माइनस वन बाई टू। नाउ व्हेन वी लुक एट द वैल्यू एट टू, वो कितना आ गया सर, ये वन बाई टू आ गया। तो क्या ये दोनों वैल्यू में साइन का फर्क है, हाँ साइन का ही फर्क है, दिस वैल्यू इज माइनस पॉइंट फाइव, दिस वैल्यू इज पॉइंट फाइव। तो व्हेन वी लुक एट इवन ग्राफ ऑफ वन बाई एक्स, तो क्या सोच रहे हो बच्चा लोग, क्या ये बात क्लियर नहीं है कि सर वन बाई एक्स का ग्राफ भी जो है ये बेसिकली ऑड ग्राफ है। व्हेन आई लुक एट वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स, इट इज वॉट बेसिकली ऑड फंक्शन। आई होप ये बात समझ पा रहे हो, और अगर ये बात समझ पा रहे हो तो चलिए यहां पे बात करते हैं किसके बारे में, अबाउट इसका ग्राफ कैसा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ आएगा इसका। बिकॉज व्हेन यू लुक एट जीरो, तो क्या दिख रहा है साहब, जीरो पे फंक्शन वैल्यू कहां चला गया है, ये चला गया है टुवर्ड्स द इंफिनिटी। तो लेट्स ड्रॉ दिस ग्राफ वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। तो अगेन माई हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज वॉट, एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल इज वॉट, अगेन माई फंक्शन। सो चलिए फटाफट से ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। तो ये हमारा ग्राफ बन गया कौन सा, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये बन गया मेरा फंक्शन विच इज वॉट से वन डिवाइड बाय x। नाउ व्हेन आई ड्रॉ दिस ग्राफ, ये जो वैल्यू है सबको पता है कि सर ये वैल्यू जो है वो x का जीरो पे वैल्यू है, ठीक ना। नाउ व्हेन वी ड्रॉ दिस ग्राफ, जीरो पे वैल्यू कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, एंड व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा इसका वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगा। सो व्हेन वी लुक एट दिस ग्राफ, दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। सर आपने ऐसा ग्राफ क्यों बनाया, बिकॉज सबसे पहली बात तो व्हेन आई टॉक अबाउट वन अपॉन एक्स का ग्राफ, ये इवन है कि ऑड है, तो तुम सब बोलोगे सर ये ग्राफ ऑड ग्राफ है, विच मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सर ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो क्या ये देख पा रहे हो कि यस सर ये ग्राफ जो है वो ऑड ग्राफ है, एंड अगर ये बात क्लियर हो गई है तो चलिए लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट विच इज क्रूशियल इन दिस। सो इफ आई टॉक अबाउट यहाँ पे f ऑफ जीरो पे वैल्यू, आप सब लोग ये बात से सहमत होंगे साहब जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। बट नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट यहाँ पे जीरो प्लस पे वैल्यू, एंड इफ आई टॉक अबाउट जीरो माइनस पे वैल्यू, तो क्या ये बता पाओगे आप लोग, जीरो प्लस यानी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं जीरो प्लस, एंड जीरो माइनस यानी हम लोग इस पॉइंट के आसपास की बात कर रहे हैं। तो आई होप कि जब आप ये देख रहे हो कि जीरो प्लस यानी आपका जो वैल्यू है इट वुड टेंड टू प्लस इन्फिनिटी, और जो जीरो माइनस है यहां पे फंक्शन की वैल्यू वुड टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, यस सर। सो इन दिस केस व्हाट यू कैन राइट, सर जीरो प्लस पे दिस वैल्यू इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, एंड
माइनस जीरो पे इट इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। आई होप ये बात क्लियर है सबको, एंड ये बात लिमिट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट 1/x का ग्राफ, आपको ये दो बातें बिल्कुल पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये ऑड फंक्शन है, एंड दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस फंक्शन, यहाँ जीरो पे वैल्यू है इन्फिनिटी, जीरो प्लस पे प्लस इन्फिनिटी, जीरो माइनस पे माइनस इन्फिनिटी। डन, चलिए अगर ये बातें क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं हमारा फिफ्थ ग्राफ। आपको कुछ भी डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, यू कैन व्हाट्सएप मी। तो माई फिफ्थ ग्राफ इज वॉट से 1/x2। तो चलिए ख़त्म करते हैं इसको बहुत ही फटाफट से, और आई होप कि अब सब समझना शुरू कर दिए हैं आप लोग। तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर y इज इक्वल टू 1/x2, तो चलिए क्या दिख रहा है, यहाँ भी फटाफट से हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे x का एज वेल एज निकालेंगे हमारा फंक्शन। तो चलिए क्विकली, इफ आई पुट वैल्यूज ऑफ x एंड इफ आई वॉन्ट टू फाइंड y विच इज से 1/x2, चलो क्या हो जाएगा, x माइनस 2, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/4। इफ आई पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, दिस वुड बी 1। इफ आई पुट x 0, अगेन दिस वुड टेंड्स टू इन्फिनिटी। इफ आई पुट 1, इट वुड बी फंक्शन 1। इफ आई पुट वैल्यू 2, दिस वुड बी से 1/4। तो तुम जब यहाँ पे डाल रहे हो वैल्यूज माइनस 2 का एंड 2 का, वहां से ही क्या देख पा रहे हो बच्चा लोग? सर हम तो वहां से ही देख पा रहे हैं कि फंक्शन हमारा इवन है कि ऑड है। तो बोले बच्चा लोग ये फंक्शन क्या हो गया, जब तुमने x माइनस 2 पुट किया तो 1/4 आया, x 2 पुट किया तब भी 1/4 आया। तो यहां से आप लोग क्या बोल सकते हो कि सर दिस फंक्शन इज व्हाट, दिस फंक्शन इज इवन। बोलो हाँ कि ना, हाँ सर दिस फंक्शन इज इवन। अब जब ये इवन फंक्शन होगा तो इसका ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो सर इसका ग्राफ आने वाला है बेसिकली मेरा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। तो चलिए ड्रॉ करते हैं और निपटाते हैं इस ग्राफ को, विच इज व्हाट, y इज इक्वल टू 1/x2। और जो लोग वीडियो को 2x पे देख रहे हो बच्चा लोग, आई होप कि तुम लोग समझ पा रहे हो, और जो आराम आराम से भी देख रहे हो आई रियली होप कि आप लोग भी समझ पा रहे हो। तो चलिए y इज इक्वल टू 1/x2, दिस ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस इवन, एंड दैट्स व्हाई इट इज इन द बोथ द क्वाड्रेंट, फर्स्ट एज वेल एज सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। चलिए तो आई होप कि यू हैव मेड द ग्राफ, आपको दिख रहा है कि हाँ ग्राफ जो है वो मेरा बेसिकली इवन फंक्शन है। एंड यहाँ भी अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट माई सेकेंड पॉइंट, तो चलिए क्या निकाल रहे हैं, यहाँ निकाल रहे हैं जीरो प्लस पे वैल्यू, जीरो पे वैल्यू और जीरो माइनस पे वैल्यू। तो सर एफ ऑफ जीरो इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ जीरो प्लस इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी दिख ही रहा है, एंड एफ ऑफ जीरो माइनस इज ऑल्सो टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। तो आई रियली होप कि वैन यू लुक एट द ग्राफ विच इज 1/x2, आप ये भी देख पा रहे हो कि जीरो प्लस और जीरो माइनस पे वैल्यू जो है इट इज बेसिकली वॉट, टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक क्या? तो आई रियली होप कि ये पांच ग्राफ देख के आपको ये तो मालूम पड़ ही गया है कि जीरो प्लस क्या, जीरो माइनस क्या, ऑड इवन क्या, और एक और पॉइंट सिडल पॉइंट क्या, राइट, सिडल पॉइंट क्या। अब आराम से सर आपके सामने एक पॉइंट रखने जा रहे हैं अबाउट ऑल दिस ग्राफ्स। तो पहली बात तो अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट एक और ग्राफ लेते हैं, दैट इज से रूट एक्स का ग्राफ। अगर हम बात कर रहे हैं जो सिक्स्थ ग्राफ हम यहां पे ले रहे हैं, दैट इज से वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ। तो पहली बात तो अगर हम y इज इक्वल टू रूट एक्स की बात कर रहे हैं या फिर x रेस टू 1/3 या कुछ भी होगा, तो आपको ये बात बिल्कुल समझ लेना है कि जब भी हम बात कर रहे हैं रूट एक्स का ग्राफ, तो यहां पे कैन यू ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर x नेगेटिव, बिकॉज जैसे ही आप लोगों ने x को नेगेटिव रखना शुरू कर दिया तो क्या हो गया, आपको मिलना शुरू हो गया नेगेटिव, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, नेगेटिव x, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज व्हाट, आयोटा। तो सबसे पहली बात तो दिस ग्राफ only exist for x more than 0, and यहाँ पे simple सा चीज़ है, ये क्या है, ये y is equal to root x का ग्राफ है, यानी कि आपका जब x की पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हमें क्या प्लॉट करना है कि हमारा y जो है ये root x के बराबर आएगा, राइट। तो दिस ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस,
something like this, but हाँ, make sure this graph is going to, this graph is going to have only value for x more than 0. x less than 0 के लिए आप यहां कुछ भी comment नहीं कर सकते हो, right? ये ग्राफ का यूज क्या, एप्लीकेशन क्या, ये अभी आपको सिखाता हूं, ठीक क्या? यहां भी एक्स का वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको ग्राफ ऐसा कुछ तो मिल जाएगा. 1 पे इसकी वैल्यू 1 आती है, 2 पे 1.41 एंड 4 पे 2 लाइकवाइज, राइट? तो अगर हम बात कर रहे हैं तीन ग्राफ्स का एक साथ, अब यहां से रुकिएगा फॉर 5 to 10 मिनट्स. आई वॉन्ट टू कंपेयर बेसिकली थ्री ग्राफ्स. कौन कौन से वो ग्राफ हैं मैं यहां पर लिख रहा हूं. तो पहली बात तो आई वॉन्ट यू टू इवन कॉन्सेंट्रेट फॉर ग्राफ और फॉर द कर्व विच इज वाई इज इक्वल टू एक्स. आई होप ये सबको ही पता है. देन आई वॉन्ट यू टू फोकस फॉर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का प्लॉट. एंड नेक्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस फॉर से वाई इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ. ठीक क्या? देखते हैं इन तीनों के अंदर मुझे क्या चाहिए और मैं क्या समझा रहा हूं, बिकॉज ये तीनों ग्राफ जो है ना बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू इंटीग्रेशन. सो सबसे पहली बात तो व्हेन वी टॉक अबाउट वाई इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ, मैं यहां पे जो कलर कोड है वो भी कुछ यूज कर रहा हूं सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू फील दोज कलर्स एंड ग्राफ्स. तो चलिए मैं यहां पे ले रहा हूं वाई इज इक्वल टू एक्स. तो अगर मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स का, जो हम सब प्लॉट कर सकते हैं और मुझे भरोसा है, ठीक है. देखो यहां नया कुछ नहीं करवा रहा हूं मैं, ये तीनों ग्राफ को यहां पे कुछ कुछ कंक्लूजन के तौर पे आपको कुछ दिखा रहा हूं. तो हैव अ फोकस अ बिट. तो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसके बारे में, ए बाबू मोशे आई, यहां ध्यान दे, है ना. चल ये x हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया. इफ आई टॉक अबाउट y इज इक्वल टू x, ये ग्राफ सबको ही आता है और सबको ही समझ में आ गया है. तो सर ये ग्राफ आप फटाफट से ऐसा बना लीजिए 45 डिग्री का एंगल बना के, तो ये आपका ग्राफ आ गया है y इज इक्वल टू एक्स का. आई होप सबको ये बात क्लियर है और सबको ये ग्राफ पता भी है, ठीक है. अब मैं इस ग्राफ को एक पॉइंट जो है वो है 1,1 इसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहा हूं, ठीक है. और यहां पे ध्यान दीजिएगा मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डिस्कस कर रहा हूं. तो दिस इज x का वैल्यू 1 और ये y का वैल्यू 1. सीधी बात है ये y is equal to x का ग्राफ है. Now when I look at the graph which is y is equal to x square, इसके लिए थोड़ा यहां फोकस बढ़ाइएगा. When I talk about graph which is y is equal to x square, तो जो y is equal to x square ग्राफ की बात हो रही है, what I want, मुझे चाहिए इसकी वैल्यू एक तो x less than 1 के लिए और दूसरा फॉर x मोर देन 1 के लिए. आई होप कि ये बात समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझा रहा हूं आपको. मैं क्या बोला, आई एम गोइंग फॉर द न्यू पेज. व्हाट आई वांट यू टू मेक मी फील कि हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का. आई वांट यू टू फील वैल्यू फॉर x मोर देन 0 एंड x मोर देन 1 एंड से x लेस देन 1 विद द बेसिस. हम किसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं विथ से y इज इक्वल टू x, ठीक है. तो सर आप क्या कहना चाहते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. अगर हम बात कर रहे हैं कि x का वैल्यू अगर लेस देन 1 है, लेट्स चेंज दी कंडीशंस यहां पे. इनिशियली आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट x लेस देन 1. तो अगर मैं x लेस देन 1 की बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है मैं x का वैल्यू क्या लूंगा, मैं x का वैल्यू 1 से कम लूंगा, बराबर. तो चलिए सपोज मैं ले रहा हूं x का वैल्यू कितना, मैं ले रहा हूं 0.5, ठीक है. अगर हम 0.5 पे x स्क्वायर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है x स्क्वायर यानी क्या होता है साहब, x स्क्वायर यानी होता है 1/2. यानी अगर इस पॉइंट पे अगर हम y निकाल रहे हैं विच इज वॉट x स्क्वायर, तो क्या ये 1/4 हो जाएगा? हाँ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25, राइट. बट जब हम y इज इक्वल टू यहां पे x पुट करेंगे तो हमने x का वैल्यू क्या पुट किया है सर, हमने x का वैल्यू पुट किया है विच इज व्हाट 0.5, वो कितना हो गया है, वो 1/2 हो गया है. तो क्या ये बात समझ पा रहे हो कि जब हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ की बात कर रहे हैं और वो भी 1 से कम,
इन दैट केस जो ये फंक्शन का वैल्यू आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, 0.25 आया, और व्हाट इज वाई इज इक्वल टू एक्स, इट इज 1/2, तो कौन ज्यादा होता है, 0.25 या 0.5? तो आप बोलोगे यस सर, जो 0.5 होता है ना, ये 0.5 ज्यादा होता है। तो मैं एक पॉइंट जो समझा रहा हूं, ये समझा रहा हूं कि जब मेरा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन जीरो के लिए, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बोलिए कितनों को यह बात समझ में आई कि जो मेरा वाई इज इक्वल टू एक्स ग्राफ होगा, ये ऑलवेज उसकी वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। आई होप ये बात समझ पा रहे हो। यू कैन टेक एनी नंबर विच इज लेस देन वन, यू कैन टेक 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.75, एनी वैल्यू, इन सबके जो स्क्वायर आएंगे वो जो खुद वैल्यू ऑफ एक्स है उससे ऑलवेज कम आएंगे। बट सर अगर मैं एक्स का वैल्यू ले रहा हूं एक से ज्यादा, यानी अगर मैं एक्स का वैल्यू ले रहा हूं 2, तो बोलिए क्या हो जाएगा सर, जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये हो जाएगा 4, और जो y इज इक्वल टू एक्स है ये हो जाएगा 2। तो सर जब हम x की वैल्यू एक से ज्यादा कर दिए तो हम क्या बोल पाएंगे कि जो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है इसका वैल्यू ज्यादा होगा कंपेयर टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्या ये दो स्टेटमेंट समझ पा रहे हो? आई होप कि ये दो स्टेटमेंट समझ पा रहे हो। मोटा मोटा मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हम एक्स की वैल्यू लेस देन वन करेंगे और एक्स की वैल्यू मोर देन वन करेंगे, इन दिस केस जो मेरा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साहब इसकी वैल्यू ऑलवेज कम आएगी, किस से, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से। एंड सेकेंड केस सर अगर हमने एक्स का वैल्यू ले लिया वन से ज्यादा, अगर हमने एक्स का वैल्यू ले लिया मोर देन ज्यादा, तो जो मेरा एफ एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है ये धड़ाधड़ बढ़ेगा कंपेयर टू एफ एक्स ऑफ एक्स। तो सर इससे फायदा क्या, भाई फायदा नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो तू क्वेश्चन करेगा इंटीग्रेशन के अंदर, इन दैट केस दिस ग्राफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन जी वन इट मस्ट बी ड्रॉन समथिंग लाइक दिस, इट मस्ट बी ड्रॉन समथिंग लाइक दिस, कि जो वैल्यू आएगी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू ऑलवेज वन से कम आएगी। ठीक क्या? आई होप कि अगर आपने थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए हैं इंटीग्रेशन वाले तो वहां आपको पता होगा किसके बारे में, स्ट्रिप वाला कंसेप्ट एक आता है इन डबल इंटीग्रेशन। तो हर लोग, हर बच्चा गलती करता है कि जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया रहेगा उसको ऊपर ड्रॉ कर लेगा। अरे बाबा गलती है वो, जब तू एक से कम ले रहा है x का वैल्यू, इन दैट केस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऑलवेज नीचे आएगा कंपेयर टू y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ठीक क्या? और दूसरा चीज जब हम बात कर रहे हैं अबाउट यही सेम चीज, किसके बारे में, y रूट एक्स के बारे में, तो चलिए करते हैं यही सेम चीज फॉर y इज इक्वल टू रूट एक्स के बारे में। तो क्या बोल पाओगे, अगेन विल बी गोइंग फॉर टू केसेस, टू सिनारियो, x लेस देन वन एंड से x मोर देन वन। तो यहां भी सिंपल सा एग्जांपल लेके चेक करते हैं फटाफट से कि अगर मैं x का वैल्यू ले रहा हूं, अगेन क्या 1/2 ले रहा हूं, 0.5 ले रहा हूं, तो चलिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स विच इज कितना 1/√2, ये कितना होता है, ये होता है 0.707, और यहां पे मेरा जो y इज इक्वल टू एक्स है कितना हो गया रे बेटा, ये हो गया 0.5। तो क्या दिख रहा है, किसका वैल्यू ज्यादा आया सर, y इज इक्वल टू रूट एक्स ज्यादा आया कंपेयर टू y इज इक्वल टू एक्स, और अगर तुमने कर दिया है वैल्यू मोर देन वन, यानी सपोज ले रहे हैं x इज इक्वल टू 2, तो बोलिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू √2, ये कितना होता है, ये होता है 1.41, और जो y इज इक्वल टू 2, तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है सर, y इज इक्वल टू 2 इज मोर कंपेयर टू √2। तो दोस्तों व्हेन वी वांट टू ड्रॉ प्लॉट फॉर y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स से ज्यादा होगा फॉर x लेस देन 1,
और फिर ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। वन के बाद ये ग्राफ जो है ये y इज इक्वल टू एक्स के नीचे आएगा। आई होप ये दोनों ग्राफ जो है, ये जो y इज इक्वल टू एक्स वाला यानी कि वन वन पे ये तीनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आई रियली होप कि ये तीन ग्राफ जो यहाँ पे ड्रॉ किए हैं मैंने y इज इक्वल टू एक्स का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, एज वेल एज ये जो ग्राफ है लास्ट वाला वो है मेरा y इज इक्वल टू रूट एक्स का, ये तीनों ग्राफ आप समझ पा रहे हो। एंड अगर कोई आपको ये पूछता है कि सर यही ग्राफ क्या होगा फॉर नेगेटिव एक्स, तो सबसे पहली बात तो जो येल्लो वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये नेगेटिव एक्स के लिए तो होगा ही नहीं, बट जो ग्रीन वाला है क्या ये होगा? हाँ, ये तो हमको आता ही है, ये हमारा बेसिकली पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर नेगेटिव y मैं नेगेटिव x, राइट? तो गलती नहीं करनी है बच्चा लोग, क्या गलती नहीं करनी है, जब एग्जाम में ऐसा देके रखते हैं कि x का वैल्यू एक से कम है, इन दैट केस आपको दो लाइन को कंपेयर करना है, या दो आपके पास लाइन के इक्वेशंस है, एक जो है वो है y इज इक्वल टू x और एक जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं कवि की कल्पना वहां वही है कि तू ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहा है, ये जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होगा या y इज इक्वल टू x का होगा फॉर x लेस देन वन, एंड दिस वुड बी द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू रूट एक्स। समझा क्या ए बाबू मोशाई? लड़कियां लोग समझ पा रहे हो? तो ऐसे ग्राफ सिंपल सिंपल हैं, बट यहाँ से जो कंक्लूजन्स निकलते हैं वो काफ़ी काम के हैं, ठीक क्या? एंड एक और चीज़, कभी भी ड्रॉ मत कर देना रूट एक्स को फॉर द नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो बनता है इमेजनरी ग्राफ बनता है, कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनता है, सही क्या? चलिए, तो आई रियली होप कि यहाँ तक के आपको ग्राफ हैं वो क्लियर हैं। तो बाकी जो दो ग्राफ्स हैं वो मैं कवर करता हूँ अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जो बाकी जो ग्राफ्स हैं जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, इसकी बात करूंगा, GIF की बात करूंगा, रियल एक्सपोनेंशियल, एंड इवन आई टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है? तो आई रियली होप कि यहाँ जो सिंपल सिंपल ग्राफ हैं, बेसिकली फंक्शंस ऑफ y वाले जो ग्राफ है, फंक्शंस ऑफ x वाले सिंपल ग्राफ हैं, x, x स्क्वायर, x क्यूब, रूट x, 1 by x, 1 by x square, ये क्लियर है आपको? ऑड इवन पार्ट, सेडल पॉइंट, इवन ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाया आपको, ये भी क्लियर है आपको, ठीक है? चलिए, तो इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।